जंगल के दरमियान में आ चुके हैं। ये इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं, जंगल है, सारा जंगल है। ओ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। शक्ल आपकी वैसे अच्छे दिल्ली नहीं है। देखते हैं यहाँ का एरिया जो सा, ये जो सारा जंगल है ये देखें। सुअर यहाँ पे बहुत है ना, सुअर इसको मेरा ख्याल कहते हैं, इसको सुअर का यहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं। यहाँ पे सर्दियों के दिनों में आती हैं, सर्दियों के थोड़ी सी। सो यार मेरी जो हालत है ना फुल टाइट हो चुकी है, मैं बैठ चुका हूँ वो मैं। और ये जो से फार्म है, ये सारे हॉस्टेज के फार्म है ये। बहुत अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। सो यू आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैर से होंगे। आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो प्लीज वॉच माय व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो यार मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर एक व्लॉग बनाऊंगा जो जंगल में हम लोग सारा बोर करेंगे जंगल। सो अभी मैं जंगल के दरमियान में आ चुका हूँ। दरअसल एक मुझे कॉल हुई थी जिसकी वजह से मैं बिजी हो गया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल थी, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। इसलिए हम लोग जंगल के दरमियान में आ चुके हैं। ये इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं, जंगल है, सारा जंगल है। और ये आज फिर मेरे साथ मेरा एक ये फ्रेंड है, बिलाल, बिलाल अहमद नाम है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? गुड। आपको कैसा लग रहा है आप मेरे YouTube चैनल पे आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। शक्ल आपकी वैसे अच्छे दिल्ली नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं जंगल का व्यू कैसा है, व्यू आ रहा है जंगल में। तो मुझे, मैं ये दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ जंगल के दरमियान में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं व्लॉग आप लोगों के साथ दोबारा एक दफ़ा फिर शेयर कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना होगी शेयर करते हुए। पिछली दफ़ा मैंने व्लॉग इतना अच्छा बनाया था ना, इतना कमाल का व्लॉग बना था ना। दरअसल जा के सुनिए, हम लोग गए हैं इसके घर जा रहे हैं। ये बिलाल जो था ना, ये पहले रहता था हमारे गाँव में ही रहता था ये, तो इसने फिर यहाँ से ये लोग कूच कर गए हुए हैं, यहाँ से किसी और कॉलोनी में चले गए, शिफ्ट वगैरह हो गए यहाँ से अपने। उन्होंने सारा बेच बूच करना सारी चीज़ें, तो ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ पर हम लोग, इनका घर ना जंगल के दरमियान में से गुजरता है रास्ता, इनके घर जंगल का जो सारा रास्ता है ना, इनके घर के करीब जल्दी पहुँच जाते हैं यहाँ से। वैसे हम लोग काफ़ी लंबा चक्कर पड़ता है ऊपर से जाए तो, रोड के जरिए जाए काफ़ी देर लगती है, लेकिन जंगल के दरमियान से जाए तो 15 से 10 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। सो यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ का एरिया जो सा, ये जो सारा जंगल है ये देखें, ये सारा जंगल। तो यार अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे से आप लोगों को दिखाते हैं कैसा कैसा जंगल है, कैसा जंगल है। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही जंगल है। मैं जिंदगी में, अपनी ज़िंदगी में 18 साल की उम्र में मैं दूसरी तरह जंगल में आया हूँ, अपने गांव के दूसरी तरह जंगल में आई। आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा है ये जंगल, काफ़ी बड़ा है। और कभी कभार ना यहाँ पे बहुत है ना सुअर, इसको मेरा ख्याल कहते हैं, इसको सुअर कहते हैं उर्दू में। हमारे यहाँ पे, हमारे जो एरिया ना, यहाँ पे इसको कहते हैं भारला, जो कि यहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं। यहाँ पे सर्दियों के दिनों में आती हैं, सर्दियों के थोड़ी सी जो होते हैं ना फरवरी मार्च वगैरह की उस सीज़न में यहाँ पे आते हैं। और ये यहाँ पे जो है ना फौजी वगैरह आते हैं इनको मारने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, हम लोगों के जंगल का टूर दिखाते हैं, दिखाते हैं जंगल किस तरह का हमारा। फिलहाल तो अभी यहाँ पे कुछ दिखाने को आया नहीं, बस जंगल दरख्त ही दरख्त हर तरफ। फिलहाल ये जंगल फ्री है, फुली फ्री है ये जंगल, क्योंकि इसके साथ ही ना इस तरफ ये तो एक फसल आई है ना, इसके दूसरी तरफ ना कैंट शुरू हो जाता है, कैंट बिजना वाला कैंट शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर हम लोग जंगल से, हम लोगों ने निकल आए थे तो जंगल से आगे हम लोग जा रहे थे बिलाल के घर की तरफ। और मैंने यहाँ पे एक इतनी कमाल की चीज़ देखी है ना, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी इस तरह की चीज़। यहाँ पे जो है ना ओपन खुले मोर फैल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोगों का मोर है। अगर आप लोगों को नज़र आए तो एक ये मोर, एक ये है और एक यहाँ पे है। किधर गया है ये, एक बैठा हुआ है यहाँ पे। तीन तीन मोर यहाँ पे फैल रहे हैं, दो नीचे हैं मोरनियाँ और मोर जो सा उसको ऊपर उठाया हुआ है उन्होंने छत पे। ये लोग भी ऊपर ही थे, वहाँ से आए ये लोग नीचे, देख सकते हैं ये एक मोर ही है, दो नीचे वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। सभी हम चलते हैं आगे आगे जाके देखते हैं। सो यार इतनी दूर है ना इसका घर, आ जाए इसका घर आने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी जो हालत है ना फुल टाइट हो चुकी है, मैं बैठ चुका हूँ वो मैंने उसको भेज दिया, मैं कहा तुम जाओ घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, मैं व्लॉग स्टार्ट करना है। मेरी फुल टांगे इस टाइम में दर्द करने लगी है, इतनी दूर है, पता नहीं क्यों। दरअसल मैं वो जब से मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो मैंने अपनी वॉक करनी बंद कर दी, तो मैं रोज़ वॉक करता था और आधा पौना घंटा मैं वॉक करता था। तो दरअसल आज मैं बहुत दिनों बाद चला हूँ ना, इसलिए मेरी हालत फुल टाइट हो गई हुई है। मैं दिल कर बस मैं कहीं बैठ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं चलो बैठ के व्लॉग आप लोगों का स्टार्ट करें। इसका घर अभी भी इतनी ही दूर है, ये आप लोगों को दिखा नज़र आ रहे हैं ये बिल्डिंग्स, यहाँ पे इसका ये वाला घर है इसका। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, अभी भी इतनी ही दूर है। वो मुझे कहा था अगर आप थक गए तो बैठ जाओ कहीं, सांस वगैरह ले लेते हैं कहीं भी बैठ के। मैं कहीं नहीं यार चलते हैं एक दफ़ा बैठ के, तो फिर उठा नहीं जाना है, घर जाके एक दफ़ा सांस लेते हैं सुकून से बैठ के ना, रिलैक्स वगैरह हो गए फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं अभी घर, उसके घर के करीबन पास पहुँचने वाले हैं हम लोग। सर मैं ना अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया था, और मैंने यहाँ पे इतनी कमाल की चीज़ देखी है ना,
वो ये चीज़ है, ये देखें मुर्गी को उन्होंने बैठाया हुआ है, कुड़क पे बैठी हुई है मुर्गी ना, अंडा पे बैठी हुई है। मुझे डर ही लग रही है, पानी नाना चाहिए मुझे, ये कुड़क पे बैठी हुई है। आगे इसको मैं डिस्टर्ब करती हूँ, सॉरी इसके लिए, इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं चलते हैं बाहर। आप लोग ये देखते हैं, अभी हम लोग उसके छत पे आए हैं, छत वाले एरिया पे आए हैं, ये साथ एक घर है और ये सारा इसका ओवरऑल व्यू है छत का। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैं तकरीबन पाँचवीं या छठी दफ़ा आया हूँ इसके घर, यहाँ पे बिलाल के घर ना पाँचवीं छठी दफ़ा आया हूँ इसके घर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हमें ठंडी ठंडी आवाज़ आती है। जब बिलाल के घर आए को मुझे तकरीबन घंटे दो घंटे हो गए तकरीबन, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, रेस्ट वगैरह किया, साथ मैंने बातें शादी की और खाना वगैरह खाया। थैंक्स टू बिलाल के, उसने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, इतना अच्छा खाना खिलाया मुझे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। सो अभी हम लोग आए थे, काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया और मैं अभी थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक मैं अपने घर के लिए निकलूंगा। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पिजन्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये जो से फार्म है ये सारे ऑस्ट्रिच के फार्म है। ये बहुत पहले जब यहाँ पे ये बिल्डिंग्स वगैरह नहीं ना बनी थी इस एरिया में, तब ये ना ऑस्ट्रिच का फार्म था यहाँ पे। इनके आने से पहले ना यहाँ पे ऑस्ट्रिच होते थे, काफ़ी ज़्यादा, कितना बड़ा फार्म आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे पीछे। लेकिन इस तरफ मैं करता हूँ ना तो इस तरफ अंधेरा होता, तो इस तरफ से ही जो सा कहते हैं ना व्लॉगिंग होती है, क्योंकि सामने सूरज है वो सूरज की रोशनी मेरे मुँह पर पड़ती है, तो इसलिए मेरा ना जो फेस वाइट वाइट ग्लो ग्लो करना शो होता है, जो कि मेरा ग्लोइंग स्किन नहीं है, सारे फिल्टर लगाए हैं मैंने। तो चलते हैं यार नीचे, फिर आप देख लेते हैं।